एक बुजुर्ग थे, वो गली से गुजर रहे थे। एक शराबी को देखा कि वो गंदी नाली पर पड़ा था, नशे में धुत, हालत गैर हुई है। इंसानी नाते उस पर तरस आया, उसको वहाँ से उठाया, उसका मुंह धोया, उसके घर छोड़ आए। खैरात हुई, सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त वो मस्जिद में गए, वो बुजुर्ग जैसा उनकी आदत थी, तो देखा कि उनसे पहले आज कोई शख्स तहज्जुद के मुसल्ले पे बैठा है और नवाफिल अदा कर रहा है। बड़ी हैरत हुई, देखा तो ये वही शख्स था जिसको आज दोपहर को गंदी नाली से उठा करके, उसका मुंह धो करके उनके घर छोड़ के आए थे। तो हैरत से कहा, बारे इलाहा, तेरी कुदरतों के रंग, ये आज ही तो मैंने शराब खाने से बाहर गंदी नाली पे पड़ा हुआ देखा। हातफ से आवाज़ आई, मेरे बंदे, तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया। तो जब कोई शख्स अपना मुंह धोता है, अपने हाथ धोता है, तो अल्लाह उसके गुनाह धो डालता है। तो ये निस्फुल ईमान है, ये आधा ईमान है। हमारे दीन ने हमें सफाई का, सुथराई का, पाकीज़गी का, इफ़त का, पाक दामनी का हुक्म दिया है। अगर आप मुझसे पूछें कि इस्लाम का दूसरा नाम क्या है, तो मैं कहूँगा इस्लाम का दूसरा नाम दीन तहारत है। उलमा ने लिखा कि एक तहारत मानवी होती है, एक तहारत हिस्सी होती है। हमारा दीन मुतकाजी है इस बात का कि हमारा दिल शिर्क से, कुफर से पाक हो, हमारा दिमाग गुरूर से, तकब्बुर से, और हमारा अमल रिया से, हमारा दिल तसन्नु से, बनावट से, हिकद, कीने और बुगज और नफ़रतों से पाक हो। मानवी नजासत से हम अपने आप को पाक करें। इसी तरह हम हर तरह के हदस से अपने आप को पाक करें, हद से असगर हो या हद से अकबर हो। वुज़ू से रहें, वुज़ू पर वुज़ू करना मुस्तहब है और ये कुर्बत इलाही का ज़रिया है, और हर वुज़ू के साथ मिसवाक करना मुस्तहब है, और अगर मिसवाक नहीं है तो आप उंगली के साथ अपने दांतों को साफ़ करें। गुसल वाजिब हो वो तो करना ही करना है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे सफाई हासिल करने के लिए गुसल किया जाए मुस्तहब है। नमाज के लिए आपके लिबास का साफ होना भी शर्त है, आपके जिस्म का पाक होना भी शर्त है, हद से अकबर और हद से असगर से पाक होना भी शर्त है, और जहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना भी शर्त है। मुझे बताइए, कोई ऐसा पाकीज़ा दीन आपने देखा है? इससे बढ़कर क्या कि जब तुम इस दुनिया से रुखसत होने लगे और तुम्हारे बदन को मिट्टी के बदन मिट्टी खा जाएगी, लेकिन कहा कि इसको भी ज़रा गुसल दे के भेजो, इसको चिट्टे लिबास का कफन दे के भेजो, ये वहाँ पेश हो रहा है तो पाकीज़ा बदन के साथ। तो ये हमारा दीन है जो हमें सफाई का, सुथराई का हुक्म देता है। अपने माहौल को पाक रखें, माहौल को सुथरा रखें। दुनिया के ऊपर बसने वाली कौमें जब तरक्की की राहों पे गामजन होती हैं तो वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हैं। हम जब तरक्की की राहों पे गामजन थे तो उस वक्त हमारी सुथराई की, हमारी पाकिजगी की, हमारी इफ़त की मिसालें दी जाती थी। जब पेरिस की गलियों में कीचड़ था, बगदाद उरूसुल बिलाद कहलाता है। आज मुस्लिम दुनिया के शहरों की कहानी देख लीजिए, कहा जाता है फलां एशिया का गंदा तरीन शहर है, फलां दुनिया का गंदा तरीन शहर है। अपने अतराफ में फैली हुई गंदगियां देखिए, घर से शापर में गंदगी डाल करके अपने ही घर के दरवाजे पे फेंक के हम समझते हैं हमने घर की सफाई कर ली, तो वही फिर पांव से, गाड़ी के टायरों से लग के फिर हमारे अंदर जा रहा होता है। हमारे दीन ने तो हमें यह कहा, अगर कोई रास्ते में गिरी पड़ी चीज को जो गुजरने वालों के लिए रुकावट बने उसको उठा के हम फेंक दें तो ये जन्नत के रास्ते की जमानत बन जाती है। और हमने 8 फुट की गली में 3 फुट की थड़ी पक्की डाल दी, हमने जनरेटर बाहर लगा दिया, हमने घर की मोटर बाहर लगा दी। अगर हमारे घर के पास कोई खाली प्लाट मौजूद है तो वो गंदगी का ढेर बन गया है। घरों के अंदर हजारों अखराजात हैं लोगों के, 20-25-30 हज़ार रुपया महाना खर्चा तो आम घर का है, लेकिन जो उमरा हैं 2-2-4-4 लाख रुपये उनका महाना खर्चा है। तो जहाँ इतना खर्चा हर बंदा अपने घर में कर रहा है, तो सिर्फ 1-1 हज़ार रुपया डाल करके अपनी गली की सफाई का अहतमाम नहीं कर सकता, अपने छोटे से मोहल्ले की सफाई का अहतमाम नहीं कर सकता।
अगर वो कर ले तो 1,000 रुपये उसको बिजली का बिल बच जाए, वो जो रोज धोता है अपने घर को और यही गंदगी पांव से लग के अंदर जा रही होती है, अगर मोहल्ला साफ होगा तो ये नहीं जाएगी, उसका अपना फायदा है उसका, उसका 1,000 रुपया फिर भी बच जाएगा। लेकिन हम इसको करने के लिए तैयार और बाहर गंदगी डाल दी, और दूसरे ने भी अपने घर को साफ कर लिया, बाहर गंदगी डाल दी, रास्ते के अंदर गाड़ी खड़ी कर देना, चलते राह के अंदर रेत मट्टी फेंक देना, और फिर दो दो दिन उसको उठाना ही ना, लोग अजियत से गुजरते, कोई बात नहीं। किस तरह का मुआशरा बन गया हुआ, किस तरह बंदा गवारा करता है कि उसने सड़क पे मोटरसाइकिल खड़ी की हुई है और पीछे ट्रैफिक रुकी हुई है, और वो मजे से जो है वो अंदर से कुल्फी ले रहा है, कोई और चीज ले रहा है, और लोग हारन बजा रहे हैं, और कहता है बह जो तनु आगे लगी है, वो कहते हैं जी उसने भी तो रोका हुआ था, मुझे क्या है। अजीब कहानी है भाई, क्या ये एक मुसलमान का तरीका है? ये तो एक अच्छे इंसान का तरीका भी नहीं है, मुसलमान तो इससे ऊपर वाले दर्जे का शख्स होता है। अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है, अच्छा मुसलमान होना तो उससे बड़ी बात है। तो हम सोचें कि जो हमारे तेवर लक्षण तर्ज जिंदगी अंदाजे मुआशरत है वो एक अच्छे मुसलमान होने की तो दूर की बात, अच्छे इंसान होने की भी नहीं। तो हमारा दीन सफाई का दीन है, हमारा दीन पाकिजगी का दीन है, माहौल की पाकिजगी से लेकर जात की पाकिजगी तक, ज़ाहरी पाकिजगी से लेके बातनी पाकिजगी तक, ख्यालों की पाकिजगी से लेके सोचों की पाकिजगी तक, तर्ज जिंदगी की पाकिजगी से लेकर अंदाजे मुआशरत की पाकिजगी तक, एक साले पाकिजा खूबसूरत और सुथरा मुआशरा तश्कील देने के लिए मुझे और आपको किरदार अदा करना चाहिए, और हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए, चीज़ों में तरतुब हो, खूबसूरती हो, नज़्म हो, और किसी के लिए